दोस्तों, मैं विनीता विनी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेरी किचन में बनाएंगे गोभी और गाजर का मिक्स अचार। ये मेरी मम्मा से मैंने अचार डालना सीखा है। ये उन्हीं की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए मेरी किचन में बनाना शुरू करते हैं गोभी और गाजर का मिक्स अचार। फ्रेंड्स, गोभी और गाजर का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो फूल गोभी के लिए हैं और आधा किलोग्राम मैंने यहाँ पे शलगम लिए हैं और कम से कम 1.5-2 किलोग्राम के मैंने यहाँ पे गाजर ली हैं और इतना सा 2 गंठियाँ मैंने लहसुन की छील ली है और इतना सा मैंने यहाँ पे अदरक लिया है। तो इन अदरक और लहसुन दोनों को हम दरदरा पीस लेंगे और इनको हम छील के काट लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने गोभी को इस तरह से काट लिया है, जैसे छोटे, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं हमने काटने और ज़्यादा छोटे भी नहीं काटने क्योंकि हम इनको बॉइल्ड करेंगे। और सभी गाजरों को भी मैंने इस तरह से काट लिया है, देखिए फ्रेंड्स। और शलगम भी मैंने काट लिए हैं। शलगम आप किसी भी जैसे मर्जी शेप में आप इसको काट सकते हैं, लंबे जैसे मैंने गाजरें काटी हैं उस हिसाब से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इनको इस तरह से काटा है। और फ्रेंड्स, अब हम इन सबको बॉइल्ड कर लेते हैं। तो आइए बॉइल्ड करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने पानी को पहले ही बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गोभी। सबसे पहले हम इसके अंदर गोभी डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पहले पानी को अच्छे से बॉइल्ड होने दीजिए, उसके बाद ही आप इसके अंदर गोभी डालिए। और हम इसको तब तक बॉइल्ड करेंगे जब तक कि ये इसमें एक उबाला ना आ जाए। हम इसको ढक देते हैं। फ्रेंड्स अब खोल के देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोभी में बॉइल्ड एक उबाला आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं। हमने नहीं पकाना है, हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से ढक देंगे और एक उबाल आने तक इनको भी बॉइल्ड करेंगे। फ्रेंड्स अब गाजरों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए इनमें भी उबाल आ चुका है। हमने इनको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक उबाल आने तक ही हमने इसको बॉइल्ड करना है। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। शलगम, फ्रेंड्स अगर आप शलगम नहीं पसंद करते हैं तो आप सिर्फ गोभी और गाजर का भी अचार डाल सकते हैं। अब हम इनको भी एक उबाल आने तक बॉइल करेंगे। फ्रेंड्स अब शलगम भी देख लेते हैं। शलगम में भी उबाल आ चुका है, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। शलगम को आप 1 से 2 उबाल आने दीजिए क्योंकि शलगम थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनको गोभी और गाजर से थोड़ा ज़्यादा उबालना पड़ता है। तो उनमें हमने 1-1 बॉयल लिया, इसमें हमने 2-3 डलवा लिए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने इनको धूप में रख दिया है। कम से कम इसको 2-3 घंटे की धूप अच्छी चाहिए, ये भी अच्छे से सूख पाए। फ्रेंड्स देखिए, हमारा अचार जो है वो धूप में सूख चुका है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स मसालों में हमें चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लौंग ली हैं, 8 से 10 लौंग ली हैं मैंने। काली मिर्च ली है मैंने यहाँ से, 20 से 25 दाने हैं काली मिर्च के। 2 टेबलस्पून मैंने अजवाइन लिए हैं, 2 टेबलस्पून जीरा लिया है, 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून राई, 4 मैंने बड़ी इलायची ली है, मैंने 1 चम्मच यहाँ पे लिया है लाल मिर्ची पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है और 8 से 10 मैंने छोटी इलायची ली हैं, थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है यहाँ पे। और फ्रेंड्स हमें चाहिए गुड़ चाहिए, यहाँ पे मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है और यहाँ 100 ग्राम हमें चाहिए विनेगर और 150 से 200 ग्राम हमें चाहिए तेल। फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये सूखे मसाले हैं इन सबको हम रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको पीस के इनका एक पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स मैंने गैस ऑन कर दी है, हम सभी मसालों को रोस्ट कर लेते हैं।
गैस की आंच को आप मीडियम ही रखिए, ज़्यादा तेज नहीं रख। जब इसमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाएगी तब हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके, हल्का सा ठंडा करके पीस लेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं पीसेंगे और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये मसाले हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको एक मिक्सी जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लेते हैं और ये मसाला बनके रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने पैन ले लिया है। उस पैन के अंदर हम लोग पहले सिरका लेंगे। 100 ग्राम सिरका लिया है मैंने यहाँ पे। इस सिरके के अंदर गैस की आंच को हम स्लो ही रखेंगे। ये गुड़ जो मैंने 3 डली लिया था 150 ग्राम के करीब, इसको इसके बीच में डाल के इसको मेल्ट करेंगे। देखिए, गुड़ जो है वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। बस हमने इसको इतना ही गर्म करना है जितना कि गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और गुड़ को हाथ से धीरे धीरे करके इसको मेल्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा इसमें कम मीठा खान, क्योंकि ये जो अचार है वो खट्टा मीठा अचार बनेगा। सिरका डाला है, गुड़ डाला है, मसाले डाले हैं। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाना तो आप गुड़ की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर खट्टा कम खाना चाहते हैं तो आप सिरके की क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। अब हम मसाला बना लेते हैं फ्रेंड्स, इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक पैन लेंगे। उस पैन के अंदर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कटोरी से मेज़र कर लिया है। इसमें कम से कम 150 के ग्राम के करीब तेल आता है, तो मैंने इस तेल को, 150 ग्राम तेल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये अदरक और लहसुन का, जो मैंने दरदरा जिसको पीस लिया है। अदरक और लहसुन मैंने इंग्रेडिएंट में आपको दिखाई थी, उसको आप इस तरह से दरदरा पीस लीजिए और इसको तेल के अंदर डाल दीजिए। सबसे पहले हमने अदरक और लहसुन को इस तेल के अंदर डाल के इसको भूनना है। फ्रेंड्स, अदरक और लहसुन की जो क्वांटिटी है उसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अदरक और जो लहसुन है वो ब्राउन होनी शुरू हो गई। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है हमने इसको, हल्का सा ब्राउन करना है। फ्रेंड्स, अब इसी के अंदर हम लोग डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, और हमने इसके अंदर डालना है जो हमने मसाला बनाया था। फ्रेंड्स, जो हमने मसाला बनाया था इतनी क्वांटिटी के अंदर, इसके अंदर 4 टेबलस्पून मसाले के जाएंगे। अगर उसके बाद आपका मसाला बचता है तो आप उसको रख लीजिए, उसको आप दोबारा जब आप बनाओगे तब हम इसके अंदर डालेंगे। और मसाले की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसालेदार खाना चाहते हैं तो आप मसाला और ऐड कर लीजिए, नहीं तो इतने से अचार के अंदर 4 टेबलस्पून बहुत हैं। हम इसको ठंडा करेंगे। हमने इसको गर्म नहीं, गरम गरम हमने गोभी और गाजर के अंदर नहीं डालना है। अगर हम गरम मसाला उनके अंदर डाल देंगे तो गोभी और गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ देंगी, जबकि हमने उनको फिर भी धो के अच्छे से उबाल के सुखा लिया, लेकिन फिर भी वो पानी छोड़ देंगी। तो हमने इसको बिल्कुल ही ठंडा करना है। ये अचार डालने की टिप है कि आपने गरम गरम गोभी और गाजर को इसके अंदर नहीं डालना है। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तब हम उसके अंदर मिक्स करेंगे, नहीं तो गोभी गाजर अपना पानी छोड़ देंगे और पानी छोड़ेंगे तो जो अचार है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद गोभी और गाजर के अंदर मिक्स करेंगे। ये मेरी अचार की टिप है आपके लिए। फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, सारे मसाले को इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमने ये सिरका और गुड़ का जो बनाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए,
सारा मिक्स कर लिया है। ये ऐसे ही बनके रेडी है, लेकिन ये अचार जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर बनके रेडी होता है। आप इसको एक जार के अंदर भर के रख लीजिए, और अगर आप इसको ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो इसको भर के आप फ्रिज में रख लीजिए, ये ख़राब नहीं होएगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से सुखा लिया था। अगर अचार को आप अच्छे से सुखा लोगे और ये ठंडा करके मसाला इसके अंदर डालोगे तो ये अचार आपका काफ़ी दिनों तक चल सकता है, ये ख़राब नहीं होएगा। ये अब भी खाने के लिए रेडी है, लेकिन जब तक इसके अंदर गोभी के अंदर इनके अंदर मसाले अच्छे से नहीं ऑब्जर्व होंगे तब तक इसका वो अचार का टेस्ट नहीं आता। तो आप 2-3 दिन के लिए वेट भी कीजिए, आप ऐसे भी चख के खा सकते हैं। इसको परांठे के साथ सर्व करिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा गोभी गाजर और शलगम का अचार बन के तैयार है। ये 3 दिन में खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू।